समाजवादी सेकुलर मोर्चा के शिवपाल यादव का शनिवार को महानगर पहुंचने पर सेकुलर मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस पर भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मैंने अथक प्रयास किया कि हम समाजवादी पार्टी के लोग एक साथ रहें, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया और आज हमने समाजवादी सेकुलर मोर्चा का गठन किया। वहीं जब उनसे बात की गई कि आपके बड़े भाई और समाजवादी के नेता मुलायम सिंह यादव आपके कार्यालय पहुँचे हैं और आप गोरखपुर हैं, तब उन्होंने कहा कि ये उनका विचार है और हम उनके विचार के हिसाब से चलते हैं। जब उनसे बात की गई कि मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव समाजवादी टिकट से लड़ेंगे तो क्या आप समर्थन करेंगे, तो उनका कहना था कि खास तौर से अगर मैनपुरी से लड़ेंगे तो समाजवादी सेकुलर मोर्चा उनके समर्थन में खड़ी रहेगी, वो किसी दल से लड़ें समाजवादी सेकुलर मोर्चा उनके साथ ही रहेगी। पत्रकारों से बात करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा, कार्यक्रम है और उसमें मुझे बुलाया था और मुझे उत्तर प्रदेश में समाजवादी सेकुलर मोर्चा को समर्थन भी दिया, तो हम अब सही कार्यक्रम में आए। कल केशव प्रसाद मौर्य जी ने एक बात कही है कि अगर शिवपाल जी भाजपा से लड़ना चाहें तो उनका स्वागत है। देखिए, हम लोग सेकुलर हैं और भारतीय जनता पार्टी से तो हमारा हमेशा ही मुकाबला रहा है और हम लोग सेकुलर समाजवादी, पुराने सेकुलर समाजवादी, तो हमारा तो कोई जाने का सवाल ही नहीं होता है। क्या लगता है कि सपा फिर एक बार आपको फिर बुलाने का प्रयास, आज ये पता चल रहा है कि मुलायम सिंह जी आपके घर जाने वाले हैं? देखिए, मैंने बहुत सोच समझ के ये कदम उठाया, बहुत समय दिया। वैसे तो हम चाहते थे हम सब एक रहें, एक रहें, लेकिन उन्होंने तो केवल अपमानित ही करने का काम किया और हमने तो हमेशा संघर्ष में विश्वास किया है सर, और किया है नेताजी के साथ हमेशा संघर्ष किया, तो हम फिर संघर्ष करेंगे, लेकिन जो कदम हमने आगे बढ़ाया है वो पीछे नहीं है। चाचा जी, सबसे बड़ी बात यह रही कि नेताजी आज आपके कार्यालय पहुँचे हैं, बड़े विश्वास के साथ पहुँचे हैं, लेकिन निराशा वापस हो गए क्योंकि आप गोरखपुर आ गए हैं, तो उनके लिए क्या है आपका? देखिए, नेताजी का आशीर्वाद हमेशा रहा और रहेगा और नेताजी की इजाज़त लेकर के ही हमने समाजवादी सेकुलर मोर्चा बनाया। क्या लगता है 2019 में पहले नेताजी आपके साथ रहेंगे? देखिए, मैंने तो ऑफर किया है कि वो समाजवादी सेकुलर मोर्चा से पार्लियामेंट का चुनाव मैनपुरी से लड़ें, पहले तो लड़ें और नहीं लड़ेंगे लड़ते हमारे समाजवादी सेकुलर मोर्चा से जिससे भी लड़ेंगे, हम केवल मैनपुरी उनके समर्थन में आप रहेंगे, केवल मैनपुरी से केवल नेताजी का समर्थन रहेगा हमारे समाजवादी सेकुलर मोर्चा का। वैसे तो हमने ऑफर दिया हमारे सेकुलर मोर्चा से लड़, अगर नहीं लड़ वो शेष सीटों पर समाजवादी सेकुलर मोर्चा चुनाव लड़ा। पहले लास्ट सवाल, पहले मध्य प्रदेश में पहले मायावती जी ने गठबंधन से इनकार किया कांग्रेस से, आज सपा ने भी इनकार कर दिया, केवल उत्तर प्रदेश के लिए गठबंधन? देखिए, आप बहुत समझे, बहुत समझे, अब अखिलेश समझे, मायावती समझे,